और राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं, जिसमें नौहर विधानसभा से कांग्रेस की अमित चाचाड़ को जीत मिली है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अमित चाचाड़ ने कड़े मुकाबले में बीजेपी के निकटतम प्रतिद्वंदी अभिषेक मटोरिया को करीब 895 वोटों से हराया। अमित चाचाड़ के विजय होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इसी क्रम में अमित चाचाड़ ने बताया कि कांग्रेस के शासन में बीते 5 वर्षों में नोहर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जनता के सामने गए थे और उन विकास कार्यों पर जनता ने अपनी मोहर जीत के रूप में लगाई है। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से मुझे दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में जाने का आज अवसर मिला। इसके लिए तमाम क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने मुझे दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, मैं सदैव यही प्रयास करूँगा कि आपके उम्मीद और विश्वास पर खरा उतरूँ, छत्तीस बिरादरी का मान और सम्मान करूँ, क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करूँ। जनता ने क्या विधायक जी विकास? जनता ने निश्चित रूप से विकास के नाम पर मतदान किया है। जिस तरह से आप सब ने देखा कि विपक्ष के साथियों ने विकास के काम को दूसरी तरफ रखते हुए जिस तरह से जाति धर्म का जहर घोलने का काम किया, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया, जिस तरह धनबल का प्रयोग किया, उसे नकारते हुए क्षेत्र की जनता ने विकास के नाम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर मतदान किया है, उसी की बदौलत आज मैं दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा हूं। आगे क्या प्राथमिकता है इस काम रहेगी जो भी हमारे जो चाहे नोर को जिला बनाने की मांग हो, चाहे नोर के 14 ग्राम सिंचित करने की, मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की, 100 करोड़ का प्रावधान किया, वर्चुअल शिलान्यास किया, उसका हम काम आगे बढ़ाएंगे। सूही ब्रांच का नहर जो का निर्माणाधीन का 2005-04 में भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एटा सिंगरा सर के बाद प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का हमारा प्राथमिकता रहेगी।